हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ स्नेहा और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज का ये वीडियो मैंने अपलोड किया है नाथुला का। नाथुला इंडो चाइना बॉर्डर में है, जो कि गैंगटॉक से लगभग 2 घंटे के डिस्टेंस में पड़ता है। रास्ते में देखिए ये ऑक्सीजन सेल करते हैं वहाँ पर। अगर किसी को चढ़ाई में सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो उन लोगों के लिए ऑक्सीजन का ये छोटे छोटे सिलेंडर्स वो लोग सेल कर रही थी। नाथुला पास जाने के लिए मेरा आप लोगों से यही सजेशन रहेगा कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गैंगटॉक से निकल जाएं। 9 से 10 बजे के बीच में आप लोग नाथुला के लिए चढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि नाथुला जाने के लिए परमिट की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो परमिट एक दिन पहले बन जाता है, आजकल एक दिन पहले ही सब बना देते हैं। तो थोड़ा सा बस वहाँ पे ऑफिस में कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस रहता है, उसके बाद फिर ये आगे की चढ़ाई होती है। लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। वैसे तो रास्ते में 1-2 खाने के स्पॉट्स हैं, लेकिन मेरा आप लोगों से ये सजेशन रहेगा, अगर छोटे बच्चे हैं तो आप लोग थोड़ा ड्राई फूड आइटम कैरी कर लें। मौसम गैंगटॉक में चाहे जितनी भी गर्मी होती है, जब आप नाथुला बॉर्डर जाने या फिर नाथुला रास्ते पे जाना शुरू करोगे तो देखेंगे कि मौसम चेंज होते रहता है। धीरे धीरे कुहासा हो जाता है, फॉगी वेदर हो जाता है। वैसे ब्यूटी तो है ही, खूबसूरती पहाड़ की, पहाड़ अपनी खूबसूरती के लिए ही विश्वभर में प्रसिद्ध है। तो 1.5 से 2 घंटे लगते हैं जाने में। रास्ते में पड़ता है छांगू लेक, तो पहले छांगू लेक नहीं करके पहले नाथुला जा रहे हैं हम लोग, और वापसी में हम लोग छांगू करेंगे अगर वेदर ठीक रहा तो। वैसे वेदर का कोई अता पता या कुछ सही सटीक नहीं रहता है, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी फॉगी हो जाएगा, कभी धूप निकल जाएंगे, कभी बर्फ पड़ जाएगा, तो चेंज होता रहता है वहाँ का। तो चलिए, हम लोगों की जर्नी तो स्टार्ट हो चुकी है, चलते हैं नाथुला बॉर्डर, जो कि है इंडिया चाइना का बॉर्डर। ये रास्ते में एक स्पॉट पड़ता है जहाँ पे कुछ गर्म कपड़े और बूट्स वगैरह मिलते हैं, जो कि आप रेंट पे ले सकते हैं, आप ख़रीद भी सकते हैं। पर बूट और वो वार्मर जो होता है बर्फ़ के लिए, वो जनरली सब रेंट पे ही लेते हैं। बच्चे अगर आपके साथ हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, वेदर चाहे जितना भी गर्म हो, आप लोग एक स्पेयर क्लोथ्स वार्मर्स ज़रूर कैरी करें। ये हम लोग पहुँच गए छांगू लेक। छांगू लेक ये बड़े लेक के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पे पास में काफ़ी सारे याक हैं, वो देखिए। तो सब ये याक के ऊपर बैठ के फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पहले नाथुला जाएंगे और वापसी के टाइम पे छांगू लेक होते हुए वापस जाएंगे। वैसे तो जनवरी के मौसम में ये लेक सुनते बहुत फ्रीज़ हो जाता है, पूरा फ्रीज़ हो जाता है, इसमें स्केटिंग्स होते हैं, ये सुना हुआ है ड्राइवर जी ने जो मुझे बोला, मैंने आपको बताया। ये देखिए पूरे याक भरे हुए, आप याक का राइड ले सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं।
मौसम देखिए धीरे धीरे कितना बदल गया, कितनी धूप थी, धूप के बाद अब कितना फॉकी हो गया, कुहासा हो गया। जैसे जैसे पहाड़ के ऊपर जाते रहेंगे वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा ठंड बढ़ता जाएगा। तो ये हम लोग पहुंच गए नाथुला बॉर्डर में, और इतने टूरिस्ट लोग हैं, तो इन्होंने क्या किया, ये हाफ रास्ते में एक गाड़ी को रोक दिया जहाँ पर जा सके। वैसे पार्किंग नीचे है और अपने लोगों को वो ऊपर वो जो रेड आपका वो दिख रहा छावनी वहाँ पे जाना होगा, जो कि भारत की छावनी है। सब लोग वार्मर पहनते हुए, ये टॉप में जाके मैंने एक फ़ोटो क्लिक किया था। देखिए पूरा नीचे पार्किंग है, ये पूरा पार्किंग है, ये इंडिया है, भारत की भूमि, और ये वो आपका बॉर्डर है, वो रेड बॉर्डर, उसके बाद पड़ता है चाइना। वैसे काफ़ी भीड़ हो जाती है और ये 5 बजे बंद हो जाता है, तो वो वापस ही किसी को नहीं होने देता, रहने देते हैं, तो सबको फटाफट देखकर वापस जाओ। भीड़ काफ़ी होता हो और वहाँ पे भीड़ उतना करना अलाउड नहीं होता है। मुझे भी थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लग गई, मैंने कैप पहन लिया। हम लोग को वहाँ पे जाना है, ठंड लग रही है। शॉर्टकट से भी जाओ, स्टेयर से जाओ। ये अंकल जी हाथ जोड़ के नहीं खड़े, उनको ठंड लग रही थी एक्चुअली में। ये है हम लोग का इंडिया जहाँ हम लोगों ने फ़ोटो लिया, भारत। ये हमारे भारतीय जवान, देख के एकदम खुश हो जाता मन। और वो है चाइना, देखिए ये एक बॉर्डर है, बॉर्डर के उधर चाइना और इधर भारत। भारतीय जवान, ये हम मैंने सोचा कि थोड़ा क्लोज जाके फ़ोटोज़ लेते हैं, तो चलिए क्लोज चलते हैं फ़ोटोज़ लेने। कितनी भीड़ है। ये हम लोगों ने एक ग्रुप फ़ोटो क्लिक किया था, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार ना करे, वो है चाइना। देखिए चाइना का फ्लैग, सब लोग फ़ोटोज़ लेने में बिज़ी। ये जिस बैरिकेड है, ये बैरिकेड के उस साइड है चाइना और इस साइड है इंडिया। ये जो आप सामने छत देख रहे हैं ये चाइना का छत है। कितनी भीड़ है देखिए, मैं और शौर्या। वो इंडिया का फ्लैग, हमारा भारत का तिरंगा,
सबसे ऊंचा। तो मैंने नाथुला दिखा दिया। नाथुला की ऊंचाई लगभग 14,000 फीट ऊपर है। मैंने कुछ स्टील फ़ोटोज़ नाथुला के शेयर किए हैं, आप लोग देखिएगा। उसके बाद नाथुला के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वापस छांगु लेक। आशा करते हैं मौसम ठीक होगा, पर मौसम धीरे धीरे बहुत ख़राब होते जा रहा है। यहाँ के आधे डिस्टेंस में था, लगभग एक घंटे के डिस्टेंस में छांगु पड़ता है। तो हम लोग वापस नीचे जा रहे हैं छांगु लेक की तरफ। और जब हम लोग छांगु पहुँचे तो वहाँ पर बहुत बारिश हो रही थी और हम लोगों का रुकना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम लोग नहीं रुक पाए और याक की सवारी नहीं कर पाए। तो आशा करते हूँ अगले फ़ोटो में या अगले वीडियो में जब भी होगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव दोस्तों।